यूनियन बैंक के मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं आईबॉक के, जो एसोसिएशन होता है ऑफिसर का, इनसे मैं जानना चाहता हूँ। हमारे दर्शकों को बताइए सर, इनको गाइड करिए कि क्या क्या इनके ट्रांजैक्शन बैंक के साथ होने चाहिए, इनका क्या इनका काम होना चाहिए, बैंक के साथ कैसे ये जुड़े रहें, उसके लिए आप कुछ टिप्स बताएं, हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। धन्यवाद दीपांकर जी, हमको ये बहुत अच्छा लगा कि आज आपने हमको इस तरीके से इंटरव्यू लिया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा ये है कि जो हमारे दर्शक इस चीज़ को देख रहे हैं या जो नए इससे जो हमारे हैं, कि देखिए बेसिकली बैंक का काम क्या होता है कि बैंक में जमा करना और लोन देना। तो आज पहले ये बेसिकली ये बैंक का बेसिक काम होता था, अब धीरे धीरे जो है बैंक ने जो है उसका स्कोप को जो है बढ़ा दिया है, तो वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स इंश्योरेंस, जैसे इंश्योरेंस या और दूसरे भी बीमा वगैरह होते हैं, प्रधानमंत्री की कई योजनाएं हैं, वो भी सब जो है बैंकों के माध्यम से हो रही हैं। तो मेन जो है, यदि आपको बैंक के थ्रू जो है अच्छा आपको अपना अकाउंट चलाना है, सबसे पहली बात तो कोई भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है, आपके जितने कमिटमेंट्स है बैंक से, वो एकदम प्रॉम्प्टली होने चाहिए। कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए आपके कोई चीज में, क्योंकि ये चीजें क्या होती है, ये आपकी सिविल में इफेक्ट होती है। तो वो सिविल जो है आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि ये एक सिविल इम्पोर्टेंट है। कोई भी लोन देने के लिए अब तो बैंकों की गाइडलाइन आ गई है कि आपकी इतने स्कोर से इतना स्कोर रहेगा, तो वो हर बैंकों में अलग अलग है, कि कुछ वेरिएशन है, लेकिन वो सभी एक साथ से फॉलो करते हैं। स्टार्टअप स्टैंडअप को सपोर्ट करते हैं क्या सर, नेशनलाइज बैंक्स जो है? ये सर स्कीम ही जो है स्टार्टअप जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसको संचालित किया है, स्टार्ट किया है, वो सिर्फ हम लोगों पे ऊपर फेथ रखते हुए, नेशनलाइज बैंक पे फेथ रखते हुए स्टार्ट किया है। और हम लोगों ने इसमें बहुत ही अच्छे से इस चीज को हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया है और इम्प्लीमेंट किया गया है इस स्कीम को। और कई लोगों को जो इसमें नए बैंक से जुड़े थे, उनको एक एक करोड़ रुपए तक लोन दिया गया, कोलेटर फ्री लोन, और उसको जो है आगे जो उनका व्यवसाय, जिससे आगे उनका जीवन जो है सही तरीके से जुड़ा रहे। तो ये चीज दूसरे प्राइवेट बैंक्स में उन लोगों को ये फैसिलिटी नहीं होती है। तो हमारा जैसे जो दर्शक हैं, जैसे मान लीजिए किसी को अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना हो जी, जी, तो जी, वो लोग भले ही 5 लाख या 7 लाख या 10 लाख इस तरीके से लोन से स्टार्ट कर सकते हैं, बस शर्त है कि उसका प्रीवियस रिकॉर्ड और जो है उसका प्रीवियस रिकॉर्ड पूरा बैंकिंग से रिलेटेड और प्लस अदर जो दूसरे सामाजिक उससे भी जो है वो हम लोग देखते हैं। करेक्ट। तो वो एक ड्यू डिलीजेंस हमारा एक अलग होता है, तो हम उसको पूर्ण करने के पश्चात ही जो है हम डिसाइड करते हैं। ड्यू डिलीजेंस तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बैंक का पैसा भी पब्लिक का पैसा है, जो पब्लिक डिपॉजिट करती है, आप लोग उसी पैसे को ही लोन देते हैं, इसीलिए ग्राहकों का भी ये फर्ज बनता है कि वो सही तरीके से उस लोन को इस्तेमाल करे और वो पैसे को वापस करे, ताकि वो हमारे इकोनॉमी में किसी और उनके जैसे जरूरतमंद के काम आ सके। तो मुझे दर्शकों से अपील है कि बैंक आपका बहुत बड़ा मित्र है, साथी है, आपको बैंक के साथ में चलना चाहिए। और लोन्स हमारा अधिकार नहीं है, लोन हमारे लिए उपलब्ध कराता है बैंक हमारी सुविधा के लिए, ताकि हम यूज़ करें, वापस करें और वो उसके बाद फिर से इकोनॉमी में आए। तो इस चीज़ के लिए ध्यान में रखिएगा। महेश सर और कुछ बताएंगे? हाँ, इसके लिए सर मैं एक चीज़ थोड़ा सा करना चाहता हूँ इसमें ऐड। जैसे आजकल कई राज्यों में इलेक्शन से पहले, चूंकि ये पॉलिटिकल डिसीजन है, इसमें हम ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन हम इस पर जरूर कमेंट करेंगे कि कोई भी एग्रीकल्चर लोन है, या जैसे अभी एमपी हुआ, यूपी हुआ, या कहीं दूसरे अलग स्टेट में, छत्तीसगढ़ भी, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही इलेक्शन आया और पूरा जो है लोन माफी के लिए ये कर दिया है। तो ये क्या होता है, इससे जो ग्राहक होता है ना, उनका जो क्रेडिट डिसिप्लिन है ना, वो बिगड़ जाता है। तो क्या होता है, वो सोचते हैं यार हम तो लोन नहीं चुकाएंगे तो हमारा तो कुछ नहीं होना है, माफ हो जाएगा। लेकिन मेरा जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उससे मेरा यही निवेदन है कि आप उन व्यक्ति को छूट दें जो रेगुलर किस्त जमा करे, उसको आप इंटरेस्ट में सब्सिडी दे दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उसका क्रेडिट डिसिप्लिन बना रहेगा और दूसरे लोग भी मोटिवेट होंगे कि वो हमारे लोन को जो है, जो पर्टिकुलर जिस व्यक्ति का लोन है, वो बकायदा जो है वो चल सके। करेक्ट। इनका कहना ये है कि डिफॉल्टर को मतलब रोका जाए, और जो
पटाना चाहता है, चुकाना चाहता है और अपना पूरा मेहनत कर रहा है, उन लोग को फैसिलिटी मिलना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, ब्याज से उनको छूट मिलना चाहिए, ना कि पूरा लोन माफी किया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेश सर। मुझे पूरी उम्मीद है कि ग्राहकों के काम आएगा, दर्शकों के काम आएगा आपका ये सोच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर।